हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत करते हैं। वाक्य का काल बदलने की ताकत केवल और केवल एंकर वर्ड में ही होती है। एंकर वर्ड तीन प्रकार के होते हैं, पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 2 और एक्शन वर्ड। वाक्य कितना भी बड़ा हो, उसका अर्थ हमें समझे या न समझे, लेकिन अगर हमें एंकर वर्ड पता है तो हम सिर्फ उतनी नॉलेज के साथ वाक्य को मन चाहे काल में लिख सकते हैं। पहला वाक्य, इस पेड़ पर से अनेक फूल हफ्ते में कम से कम 2 बार गिरते हैं। वाक्य का आखिरी शब्द क्या वो क्रिया दर्शाने वाला है? है, ये शब्द क्रिया दर्शाने वाला नहीं है। इस शब्द के पहले क्या क्रिया दर्शाने वाला शब्द है? हाँ, गिरते। इसका मतलब ये वाक्य का जब अंग्रेजी वाक्य बनेगा उसमें एक्शन वर्ड होगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर सिंपल प्रेजेंट नहीं होता तो वाक्य के आखिर में है ये शब्द नहीं होता। गिरना सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो फॉल होता है या तो फॉल्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? फूलों की, एक नहीं अनेक फूल। दे के साथ ऐसे समाप्त होने वाला शब्द कभी नहीं जाएगा, तो इसके अंग्रेजी वाक्य में जो एक्शन वर्ड होगा वो होगा फॉल। अगला वाक्य, गाय का दूध हमारी सेहत के लिए अच्छा है। आखिरी शब्द वाक्य का है। क्या इस है के पहले क्रिया दर्शाने वाला कोई शब्द आया है? नहीं, तो इस वाक्य के अंग्रेजी वाक्य में एक्शन वर्ड नहीं आएगा। या तो पावर वर्ड 1 आएगा या तो पावर वर्ड 2 आएगा। हम बात किसकी कर रहे हैं? गाय के दूध की वर्णन कर रहे हैं कि वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है। वर्णन करने के लिए पावर वर्ड 1 का उपयोग होता है। ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, तो इसमें इज एम आर में से एक पावर वर्ड 1 का उपयोग होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? गाय के दूध की बात कर रहे हैं। इट के साथ प्रेजेंट टेंस में जाने वाला पावर वर्ड 1 है इज। इसलिए इस हिंदी वाक्य का जब भी अंग्रेजी वाक्य बनेगा उसमें इज ये पावर वर्ड 1 होगा। नेक्स्ट, हमारे प्रधानमंत्री अगले महीने अमेरिका में होंगे। क्या इस वाक्य में आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला है? नहीं। क्या उसके पहले का? वो भी नहीं। तो इसके अंग्रेजी वाक्य में एक्शन वर्ड नहीं आएगा। होंगे ये सिंपल फ्यूचर है। पावर वर्ड 1 या पावर वर्ड 2, पावर वर्ड 1 होगा तो विल बी, पावर वर्ड 2 होगा तो विल हैव। वाक्य में हम क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री का वर्णन कर रहे हैं। वो कहाँ होंगे इसकी बात कर रहे हैं। वर्णन करने के लिए पावर वर्ड 1 का उपयोग किया जाता है जो कि फ्यूचर टेंस में विल बी है, तो इसके अंग्रेजी वाक्य में विल बी आएगा। अगला वाक्य, मैंने हवा में ऊंची गेंद को लात मारी। वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला है, इसलिए ये वाक्य जब अंग्रेजी में बनेगा तब उसमें एक्शन वर्ड आएगा। मैं जानता हूँ ये मेरी हिंदी का वाक्य भूतकाल का है। लात मारना यानी किक, लात मारी यानी किक्ट, तो इसका जब अंग्रेजी वाक्य बनेगा उसमें किक्ट ये शब्द आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, उनके बच्चे एक दिन में 2 घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखते हैं। ये वाक्य नकारात्मक है, इसलिए मेरे अंग्रेजी में नॉट आएगा। आखिरी शब्द क्या है? है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है लेकिन नेगेटिव। आखिरी शब्द के पहले आए हुए शब्द में कोई क्रिया दर्शाने वाला शब्द है? देखते, देखना यानी वॉच। तो मेरे अंग्रेजी वाक्य में एक्शन वर्ड आएगा लेकिन ये नेगेटिव है, इसलिए नॉट वॉच और नॉट के पहले डू या डज आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है। किसकी बात कर रहा हूँ? उनके बच्चों की। अनेक वचन यानी दे के साथ कभी भी एस नहीं जाएगा, इसलिए अंग्रेजी वाक्य में डू नॉट वॉच ये 3 शब्द एक साथ आएंगे। अगला वाक्य, भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक में 52 जिले हैं। इस वाक्य के आखिर में है शब्द आने के चलते मैं जानता हूं यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, किंतु क्या इस शब्द के पहले क्रिया दर्शाने वाला कोई शब्द है? नहीं। जिले शब्द जिला क्रिया दर्शाने वाला नहीं है। इसका मतलब इस वाक्य में पावर वर्ड 1 या पावर वर्ड 2 होगा, एक्शन वर्ड नहीं होगा। इस वाक्य में मैं भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक राज्य का वर्णन कर रहा हूं कि उसमें 52 जिले हैं। वर्णन प्रेजेंट टेंस पावर वर्ड 1।
इज एम आर में से कोई भी हो सकता है। 52 जिले होने की बात कर रहा हूँ, 52 जिले अनेक वचन होने के चलते वहां पे आएगा आर। अगला वाक्य, मेरे माता पिता और दादा दादी प्रत्येक सुबह प्रार्थना करते हैं। इस वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला नहीं किंतु उसके पहले के शब्द क्रिया दर्शाने वाले हैं, प्रार्थना करना यानी प्रे। सिंपल टेंस का वाक्य है, इसका जब अंग्रेजी बनाएंगे तब उसमें एक्शन वर्ड होगा सिंपल टेंस वाला। प्रे या फिर प्रेज, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मेरे माता पिता और दादा दादी, एक से अधिक लोगों की बात कर रहा हूँ। दे, उनके साथ एस से समाप्त होने वाला शब्द कभी भी नहीं जाएगा, तो होगा प्रे। अगला वाक्य, मेरा उस कंपनी में कोई हिस्सा नहीं है, नकारात्मक है। आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला नहीं, ना ही उसके पहले वाले शब्द क्रिया दर्शाने वाले, तो इसके अंग्रेजी में एक्शन वर्ड नहीं होगा, या तो पावर वर्ड वन होगा, पावर वर्ड टू होगा। मैं बात क्या कर रहा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है इसकी बात कर रहा हूँ, पावर वर्ड टू। प्रेजेंट टेंस का है, इंग्लिश वाक्य में नॉट हैव आएगा और नॉट के पहले डू या डज आएगा। मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ, आई के बाद डज नहीं डू जाता है, इसलिए अंग्रेजी वाक्य में आएगा डू नॉट हैव। आखिरी वाक्य देखते हैं, प्यासे कौवे ने पानी के मटके में कुछ पत्थर डाले। वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला है, इसलिए अंग्रेजी वाक्य में एक्शन वर्ड आएगा डाले, भूतकाल। डालना यानी पुट, पुट का भूतकाल भी पुट ही होता है, तो इंग्लिश वाक्य में पुट आएगा। तो इसका जब अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे वो भूतकाल का होगा, उसमें एक्शन वर्ड होगा और एक्शन वर्ड होगा पुट। तो इस एक वाक्य से एक्सरसाइज समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की एक्सरसाइज से अब आप सिंपल टेंस के हिंदी वाक्य को देखते से ही ये बता पाएंगे कि जब इसका अंग्रेजी बनेगा तब उसमें PW1 जाएगा, PW2 जाएगा कि एक्शन वर्ड जाएगा, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जब आप ये कर पाओगे तो आप अपनी मन की हिंदी को सही अंग्रेजी में लिख पाओगे और बोल भी पाओगे। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।